हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज हम आपको कमीज़ के बैक गले का डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हमने बुकरम ले ली है, ये देखिए हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद में गले की हमें ब्रॉडिंग का निशान लगाना है, जो कि ब्रॉडिंग होगी हमारी 6 इंच और 6 का आधा हुआ 3 इंच, और गला डीप है हमारा 7.5 इंच, तो 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा कंधे का दबा हो जाता है। नीचे की तरफ भी हमें 6 इंच पे ही ब्रॉडिंग का निशान लगाना है और इसे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। एक इंच हटके हमें निशान लगाना है। तो इस तरह से हमने गले को कटिंग कर लिया है। अब ये गला हमें अटैच करना है कपड़े में। अब ये हमें क्या करना है, इस तरह से हम कपड़े में रखेंगे और गले के अंदर की तरफ से सिलाई लगा के इसे हमें पहले अटैच करना है। और इस कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देना है। इस तरह से अब गले को हमें फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके 20 सेंटर पे हम कट लगा देंगे। अब दोस्तों हमें लेना है मैचिंग का कपड़ा। ये देखिए हमने इस तरह से जो हमारी सलवार का कपड़ा है, तो इसकी जो लंबाई है हमने 2 इंच और इसकी चौड़ाई 2 इंच कटिंग कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा गला है, तो ये देखिए कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसे दे देना है ट्रायंगल की शेप। ट्रायंगल की शेप देने के बाद में अब ये देखिए हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। हमें कंधे के दबाव के लिए मार्जिन थोड़ा सा छोड़ देना, मतलब आधा इंच कम से कम, और उसके बाद में हमें लप पे सिलाई लगा के इन्हें ट्रायंगलों को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमें पूरे गले में अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें ट्रायंगल सेट कर लिया है। अब दोस्तों ये दोस्तों कुर्ती के बैक पल्ले में हमें अंदर से रख के बाहर की तरफ पलट देना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से 20 सेंटर बना लिया है और ये हमारा जो ऊपर का कपड़ा है तो ये उल्टा है और ये है सीधा, तो ये हमें उल्टा वाला ऊपर की तरफ रखना है। और ये देखिए गले को हम इस तरह से 20 सेंटर पे मिला के रखेंगे और पहले हमें बीच में सिलाई लगा देना है ताकि हमारा गले का सेंटर आउट ना होने पाए। अब बुकरम के किनारे से हमें सिलाई लगाना है। एक पैर का दबाव रख के एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर देना है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है। अब गले को हमें बाहर की तरफ पलट लेना है और हम सबसे पहले गले की तरफ सिलाई लगाएंगे।
अब ये देखिए हमें इस तरह से इधर सिलाई लगा देना किनारे पे। तो दोस्तों इस तरह से हमने किनारे पे सिलाई लगा के ट्रायंगलों को अटैच कर लिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखिए लेस को हम इस तरह से रखेंगे। पहले हमें इधर की साइड सिलाई लगानी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने लेस लगा लिया इसमें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डोरी लगा देना है। और दोस्तों ये जो हमने ट्रायंगल लगाया है तो यहाँ पे आप स्टोन भी लगा सकते हैं, मोती भी लगा सकते हैं हर एक नोक पे, तो उससे डिज़ाइन की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। ये दोस्तों हम इसमें डोरी लगाएंगे। और ये अगर आपको ये डोरी बनाने का और लटकन बनाने का तरीका सीखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप आसानी से ये लटकन और डोरी बनाने का तरीका आप सीख सकते हैं। दोस्तों हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको ये लटकन और डोरी बनाने का तरीका बताया हुआ है। अब ये दोस्तों हमें क्या करना है, 2 इंच नीचे की तरफ हटके डोरी को अटैच कर देना है। अब इधर भी हमें 2 इंच नीचे की तरफ रख के डोरी को अटैच कर देना है। तो ये हमने लटकन और डोरी यहाँ पे लगा दिया है। दोस्तों अब यहाँ पे आप चाहें तो स्टोन और या फिर मोती लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको ये डिज़ाइन बनाने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको ये डिज़ाइन बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।